दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बोलो एक्सेस लिस्ट जो हमारे पास है, एक्सेस लिस्ट क्या कर रही है? एक्सेस लिस्ट इज यूज टू फिल्टर द अनवांटेड ट्रैफिक। फिल्टर फिल्टर कर रही है किसको? अनवांटेड आरटीओ। ट्रैफिक, जो भी ट्रैफिक आपके नेटवर्क में या तो इनकमिंग है या आउटबाउंड है, इनबाउंड है या आउटबाउंड है, यानी इनकमिंग ट्रैफिक है आपके नेटवर्क में एंटर कर रहा है, दैट इज द इनकमिंग, एंड आपके नेटवर्क से आउट हो रहा है, दैट इज आउटगोइंग। तो ये तो इनबाउंड ट्रैफिक होगा या आउटबाउंड ट्रैफिक है। तो एक्सेस लिस्ट किसके ऊपर आप लगाओगे, किसके ऊपर फिल्टर लिस्ट लगाओगे आप? फिल्टर लिस्ट आप किसके ऊपर लगाओगे? ये तो जो इनकमिंग ट्रैफिक है या आउटबाउंड ट्रैफिक, या तो ट्रैफिक आ रहा है या जा रहा है, किसी एक पे आप लगा सकते हो, आप दोनों पे भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ शॉपिंग मॉल का एग्जाम्पल। जब आप शॉपिंग मॉल में जाते हो, कितने लोग गए हैं शॉपिंग मॉल पहले बताओ? क्या हूँ गए हो दिनेश? सर। गए हो, चलो ठीक है। जब आप शॉपिंग मॉल में एंटर करते हो, तो एंटर करते ही एक गेट लगा होता है, ठीक है ना? देखते हो लकड़ी का बॉक्स सा रखा होता है, उसके अंदर से सर गुजरना होता है, वो सर तो मेटल की चीज ना लेके जानते। वो होता है एक्सरे फिल्टर, उसे कहते हैं एक्सरे मेटल डिटेक्टर। तो उससे आप पास होते हो, ठीक है? और उसके बाद क्या है कि एक बंदा और चेक करता है, वो तो एक्सरे फिल्टर है, वो तो आपको देखेगा कुछ है तो नहीं। उसके बाद क्या है कि वो मैन्युअली भी चेक करेगा, क्योंकि देखो सिस्टम है, सिस्टम से एरर भी हो सकती है, तो मैन्युअली भी एक बंदा क्या है वो चेक करेगा आपको मशीन लगा के कि भाई कहीं अरे इसके पास कुछ है। मेट्रो में भी सेम ही हो रहा है सर। सेम प्रोसीजर मेट्रो में भी होता है, ठीक है ना? अच्छा वो हो गया इनकमिंग ट्रैफिक। तो हम लोग जो मोस्ट ऑफ द फिल्टर लगाते हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 80 to 90% जो फिल्टर होते हैं, 80 से 90 इनकमिंग परसेंट तक ट्रैफिक वो इनबाउंड पे लगते हैं। परसेंटेज जो है आपका 80 to 90% वो किस पे लगता है? इनबाउंड इनबाउंड इनकमिंग ट्रैफिक पे इनकमिंग लगता है। लेकिन आपने देखा होगा जब आप एग्जिट होते हो तो आपकी तलाशी ली जाती है, नहीं सर नहीं होती क्योंकि नहीं होती। रीजन? जब हम अंदर आते तो ऑलरेडी हमारी पूरी तलाशी ले चुके होते हैं तो दोबारा लेने की उनकी नीड नहीं होती इसलिए। हाँ तो देखो हो सकता है कि कोई बंदा, ठीक है, उस फिल्टर को क्या कर दे, बाईपास कर दे। अगर कोई इनबाउंड फिल्टर को बाईपास कर देगा, ठीक है ना, पकड़ में नहीं आया, बाईपास कर गया, तो क्या होगा? तब हमें जरूरत पड़ेगी आउटबाउंड की। एक बार कोई घुस गया, या तो देखो घुसने से रोको, पहली चीज क्या है, घुसने से ही रोक दिया आपने तो क्या हो गया, इलाज 80 से 90% इलाज तो यहीं पे हो गया ना, समझ रहे हो? नहीं समझे? एग्जाम्पल लेके चलते हैं, समझ कोरोना का, गया ठीक है? कोरोना समझ का एग्जाम्पल लेके चल, अगर हम यहाँ पे जो भी कोरोना लेके आ रहे हैं, कोई भी इस तरह का इनबाउंड ट्रैफिक, समझ रहे हो, जो कंट्री में एंटर हो रहा है, क्या कर देंगे उसको? वहीं पे ब्लॉक कर देंगे अगर, तो क्या होगा? एंटर ही नहीं करने दिया आपने उसको, ठीक है? अब क्या 80-90% जो ट्रैफिक है यहीं पे ब्लॉक हो गया, अब बचा 10% ट्रैफिक, तो उसको तो हम पकड़ ही लेंगे, ठीक है? समझे? क्योंकि आपने क्या किया, वही ब्लॉक लगा दिया पहले ही, तो अधिकतर ट्रैफिक वहीं पे क्या हो गया, फिल्टर हो गया। अब मान के चलते हैं यहां से कोई आंख बचा के निकल गया, तो अब उसे पकड़ने का दूसरा तरीका है आउटबाउंड ट्रैफिक। आउटबाउंड मतलब यानी कि अब क्या है कि वो छिपा बैठा है, तो उसको घर से निकालो। दूसरा तरीका क्या है, उसको ढूंढो, और जहां भी है उसे क्या है, निकालो बाहर, और बाहर निकलते ही क्या है, पकड़ लो। दिस द सेकंड टेक्निक, दिस इज आउटबाउंड फिल्टर। आउटगोइंग थोड़ा मुश्किल होता है, मालूम है क्यों? आउटगोइंग इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो फिल्टर है आपका, वो कभी कभी क्या होता है, लेजिटिमेट होने की वजह से यहाँ पे बाईपास हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंट्री क्या है कि यहाँ पे इनकमिंग पे हो गई, तो आउटगोइंग पे वो पकड़े जाने की संभावना बहुत ही कम है उसकी, ठीक है? लेकिन फिर भी आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जितनी भी आपकी फायरवॉल्स वगैरह होती हैं, वो ट्रैफिक को इनबाउंड कंट्रोल करती हैं,
ठीक है, कुछ परसेंट ही ऐसी हैं जो इनबाउंड आउटबाउंड दोनों को यूज करती हैं, ठीक है ना। अब देखो यहां पे जो आपके पास एक्सेस लिस्ट है, ये भी एक तरह की क्या फायरवॉल ऑपरेशन ही है, इट्स ए टाइप ऑफ फायरवॉल ऑपरेशन। ये भी एक तरह का फायरवॉल ऑपरेशन ही है, ठीक है ना। अच्छा ये चीज समझ आ गई आपको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सेस लिस्ट के टाइप के बारे में बात करेंगे तो एक्सेस लिस्ट हमारे पास दो तरह की होती है। पहली होती है स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट, ठीक है, और दूसरी होती है हमारे पास एक्सटेंडेड। स्टैंडर्ड जो ACL होते हैं, इनका नंबर होता है 1 to 99, और एक्सटेंडेड जो ACL होती हैं, उनका नंबर होता है 100 से 199। ठीक है, स्टैंडर्ड ACL का नंबर होता है 1 to 99 और एक्सटेंडेड का होता है 100 से 199। अब देखो, अब आपको स्टैंडर्ड लिस्ट लगानी है या एक्सटेंडेड लिस्ट लगानी है, ये कैसे डिपेंड करेगा। बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी लिस्ट लगाते हैं इसमें सिर्फ सोर्स को ध्यान में रखेंगे, और इसमें सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों को ध्यान में रखेंगे। एक एग्जांपल आपको बताता हूं। मैंने कहा अगर राउटर कॉन्फ़िग मोड में आके आप लिखोगे एक्सेस लिस्ट और मैंने यहां पे लिखा 10, तो 10 का मतलब हो गया 1 से 99 के बीच में, तो स्टैंडर्ड लिस्ट लगा रहा हूं, ठीक है ना। एक्सेस लिस्ट 10। अब देखो यहां पे दो तरह के स्टेटमेंट है, एक मैंने कहा है कि परमिट परमिट 192.168 1.2, ठीक है, और इसके बाद मैंने कहा वाइल्ड कार्ड यूज किया। इसके बाद देखो हम एक वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं, तो मैंने आपको वाइल्ड बताया था कार्ड वाइल्ड कार्ड क्या होता जो होता है वो सबनेट मास्क का अपोजिट होता है। तो यहाँ पे क्लास सी है तो इसका सबनेट मास्क क्या होगा, 255.255.255.0। है? 255.0.0.0 इसमें 255.0.0.0 ये वो तो होगा, क्लास ए होगी। अच्छा, और उसमें 10.0 ऐसा कुछ? जी नहीं, आपकी जो क्लास है ना, क्लास सर, ए है, तो ए का सबनेट मास्क क्या होगा, 255.000। यस सर, हाँ,
तो उसका अपोजिट कर दो, 255 की जगह 0 लगाओ और 0 की जगह 255 लगाओ, तो वाइड गट बन जाएगी इसमें, 0.25525 ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या ओके हो रहा है कि अब ओके हम क्लास सी की बात कर रहे हैं, तो क्लास सी का सबनेट एडवांस क्या होता है, 255 255 255 0, तो वाइल्ड कार्ड क्या हो जाएगा, 0 0 0 255, तो देखो 0.0.0.255, बाय बाय ओके ठीक है, बात समझ आई। जी सर। ये एक एक्सेस लिस्ट है जिसमें क्या हो रहा है कि एक्सेस लिस्ट 10 यानी कि स्टैंडर्ड लिस्ट बने। परमिट का मतलब है अलाउ करना, यू हैव टू अलाउ द ट्रैफिक। आप ट्रैफिक को अलाउ करोगे, किस ट्रैफिक को अलाउ करोगे, 192 168 1.2, जो ट्रैफिक क्या होगा, 1.2 होगा, यानी कि ये वाला आईपी है, इस आईपी एड्रेस को आप अलाउ कर रहे हो, परमिट कर रहे हो, ठीक है, अपने नेटवर्क में। और आगे आपने क्या, 0.0.0.25, यानी कि ये इसकी आपने एक्सेस लिस्ट बता दी, ठीक है ना। अच्छा एक दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। अब मैंने कहा यहां पे एक्सेस लिस्ट 11 डिनाई 10.0.0.0 0.255.255.255 तो इसमें क्या हो रहा है, देखो एक्सेस लिस्ट 11 यानी कि स्टैंडर्ड लिस्ट बन रही है, ट्रैफिक को ब्लॉक करना है, डिनाई मतलब ट्रैफिक को ब्लॉक करना है, किस ट्रैफिक को ब्लॉक करना है, इस पूरे नेटवर्क को ब्लॉक करना है। अब यहां तो हमने सिंगल आईपी दिया था, लेकिन यहाँ पे हमने पूरे ट्रैफिक को ब्लॉक करना है, तो 10.0.0.0 ये पूरा नेटवर्क हो गया और ये इसका वाइल्ड कार्ड हो गया, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक्सेस लिस्ट का नंबर, ये देखो ये आपका नंबर हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका क्या नंबर, जो भी नंबर आप डालोगे वो मैच करेगा यहां से, अगर 1 से 99 के बीच में है तो स्टैंडर्ड लिस्ट है, और अगर 100 के100 नाम से लेने 199 है तो तो एक्सटेंडेड है। एक्सटेंडेड। उसके बाद यहाँ पे आपको दो चीजें करनी पड़ेगी, या तो आप परमिट करोगे या डिनाई करोगे, देखो या तो आपने परमिट किया या फिर क्या किया, डिनाई किया। परमिट का मतलब क्या होता है, अलाउ कर देना ट्रैफिक को, और डिनाई का मतलब होता है ब्लॉक कर देना। तो इस ट्रैफिक को इसने क्या किया, अलाउ किया, ठीक है, और इस ट्रैफिक को क्या किया, इसने ब्लॉक किया, तो इस ट्रैफिक को अंदर नहीं आने देगा, इसको आने देगा, बात समझ आई। तो ये आपकी स्टैंडर्ड लिस्ट है, ठीक है। अब देखो एक और स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं यहां पे, परमिट 0.0.0.0 स्पेस 0.0.0.0 लिस्ट 11 परमिट। अब जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है एक्सेस लिस्ट 11 परमिट 0.0.0.0.0.0, इसका मीनिंग क्या है, परमिट करे एनी ट्रैफिक को, परमिट किसको करे, सभी एनी ट्रैफिक ट्रैफिक को कोई भी परमिट करे, ट्रैफिक हो ओके कोई भी ट्रैफिक आए तो उसे परमिट कर दे। इसका और इसका स्टेटमेंट एक ही है, या तो आप ऊपर वाला लिखो या नीचे वाला लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है। अगर आपने लिखा एक्सेस लिस्ट 11 परमिट एनी, तो इसका भी मीनिंग यही हुआ, ठीक है, तो आप इसकी जगह एनी कीवर्ड यूज कर सकते हो,
आप इतना ना लिख के सिर्फ क्या लिख दोगे, परमिट एनी, तो भी सेम चीज मानी जाएगी। ठीक है, आइदर यू यूज दिस वन और दिस वन, इनमें से कोई भी आप एक यूज कर सकते हो। ठीक है, यानी कि किस क्या क्या करेगा, परमिट करेगा, किसी भी ट्रैफिक को अलाउ करेगा। बात समझ गया? ठीक यस है, अच्छा इतना क्लियर है, बता दूं? सर, एक मिनट सर, लिखना है तो लिख लो। नोट कर रहा है। एक और स्टेटमेंट लिख देता हूं तब तक। अब देखो यहां पे, देखो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई 20.0.0.0.0.255.255.255। इसका मीनिंग क्या हो गया, कोई बताएगा मुझे? डिनाइड ऊपर वाली लाइन का मीनिंग क्या हो गया? डिनाई कर दिया था ये 10 का टेन मीनिंग वाले, क्या हो गया, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड वाले को यानी कि आपने स्टैंडर्ड लिस्ट बनाई है पहली चीज। स्टैंडर्ड लिस्ट बनाई, फिर हमने क्या किया, इसको ब्लॉक किया ट्रैफिक को। डिनाई का ब्लॉक कर मतलब दिया ब्लॉक करना, किस ट्रैफिक को, इस ट्रैफिक को 20.0.0.0, ट्वेंटी यानी कि डॉट जीरो 20 का डॉट पूरा वाले ब्लॉक नेटवर्क, 20 का होल नेटवर्क आपने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। कर दिया, तो सर नीचे वाले ठीक है को ना? सबको अलाउ कर दिया। हाँ, और फिर नीचे लिखा एक्सेस लिस्ट 10 परमिट एनी, इसका मीनिंग क्या हुआ? स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट बनाई सारे ट्रैफिक को हमने परमिट, सारे ट्रैफिक को और परमिशन दे दी हमने स्टैंडर्ड सारे लिस्ट ट्रैफिक को हमने अलाउ कर दिया सेकंड लिस्ट में। अब देखो क्या होता है कि हमारे पास जो रूल है वो क्या कहता है। देखो रूल की अगर हम माने तो क्या होता है कि एक से ज्यादा एक्सेस लिस्ट अगर सेम नंबर की बन रही है, इफ यू हैव क्रिएटेड एक्सेस लिस्ट यानी कि ACL इन सेम नंबर, देन इट विल बी प्रोसेस्ड सीक्वेंसली। सर, एक एग्जांपल बता दीजिए सीक्वेंस में काम करेगा। सेम नंबर पे सीक्वेंस से काम करेंगे। अगर हमने एक से ज्यादा ACL बनाई है सेम नंबर की, तो क्या होगा, जो लिस्ट पहले बनाई है वो पहले प्रोसेस होगी और जो लिस्ट बाद में बनाई है वो बाद में प्रोसेस होगी। कहने का मतलब है कि अच्छा जो मतलब एक्सेस लिस्ट होती है वो सीक्वेंसली प्रोसेस होती है। एक्सेस लिस्ट कैसे प्रोसेस होती है, सीक्वेंस में, सीक्वेंस यानी कि जो हमने पहले बनाई है वो पहले प्रोसेस होगी और जो बाद में बनाई है वो बाद में प्रोसेस होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने ये लिखा एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई दिस वन, तो ये क्या करेगा, ये इस ट्रैफिक को तो ब्लॉक करेगा, ये बाकी ट्रैफिक को भी ब्लॉक कर देगा। तो रूल नंबर 2 काम आएगा यहाँ पे। रूल नंबर 2 ये कहता है इम्प्लीसिट डिनाई। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इम्प्लीसिट डिनाई का मतलब ये होता है कि अगर आप डिनाई स्टेटमेंट कहीं पे यूज करते हो, इफ यू यूज एनी डिनाई स्टेटमेंट इट विल बी डिनाई एनीथिंग एल्स।
ये उसको तो डिनाई करेगा ही, साथ में बाकी को भी डिनाई कर देगा। बात समझ में आई नहीं आई? आगे। अगर मैंने कहा कि ये डिनाई करेगा 20.0.0.0, ठीक है, तो ये उसको क्या छोड़े तो करेगा, उसको करेगा, 20 को सबको तो कर डिनाई देगा, करेगा ही, इसके बाकी साथ सबको भी कर देगा। बाकी सबको भी डिनाई कर देगा, यानी कि अपने आप तो तो फिर क्या देखो है। इम्प्लिसिट डिनाई बाकी सबको भी डिनाई कर रहा है, तो यहाँ पे मैं 20.0.0 मतलब मेंशन करने की जरूरत क्या है, मतलब उसके साथ अगर सब कोई एक तरह से वो सभी को डिनाई कर रहा है। देखो मेरी बात सुनो, अब क्या है कि बैती गंगा में तो हाथ सभी धोते हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये गंगा बह रही है, अगर आपने डिनाई लगा दिया तो भैया एक तो मरेगा बाकी सबको ले मरेगा, समझ रहे हो? ये डिनाई क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो इम्प्लिसिट काम करता है, इसको कहते हैं इम्प्लिसिट डिनाई, ठीक है। अगर एक मछली है वो पूरे तालाब को गंदा करती है, समझ रहे हो, अगर एक में प्रॉब्लम है तो सजा सबको मिलेगी, समझ रहे हो, अगर अगर एक डिनाई कर दिया मैंने तो पूरा डिनाई करना पड़ेगा मुझे, एक मछली को मैं सजा नहीं दे सकता, पूरे को दूंगा तालाब में जितनी होगी, समझ रहे हो? तो ये रूल कहता है इम्प्लिसिट डिनाई, अगर आपने डिनाई स्टेटमेंट यूज किया है तो ये क्या करेगा, बाकी सबको भी डिनाई कर देगा उसके साथ साथ, ठीक है, बात समझ रहे हो? तो इससे बचने के लिए हमें एक और स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, पहला स्टेटमेंट डिनाई का डाला और दूसरा स्टेटमेंट क्या डाला, एक्सेसिस टेन परमिट एनी, यानी कि इसको आपने डिनाई किया है और दूसरे स्टेटमेंट में हमने कहा कि परमिट कर दो सबको, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग यह है इम्प्लिसिट डिनाई, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमने परमिट स्टेटमेंट लगा दिया, जब इसने क्या किया, इस ट्रैफिक को डिनाई किया और बाकी को क्या कर दे, परमिट कर दे, तो ये क्या करेगा, सिर्फ इसी ट्रैफिक को डिनाई करेगा, 20 वाले को, बाकी को नहीं करेगा, क्योंकि बाकी के इसीलिए लिए हमने हमने एक और परमिट एनी एसीएल लगाया। लगाया, जी इसीलिए हमने परमिट एनी लगाया कि मतलब हाँ, सिर्फ ये उसी को डिनाई जब भी आप करें, डिनाई स्टेटमेंट लगाओगे तो आपको एक स्टेटमेंट जरूर लिखना पड़ेगा, परमिट एनी, परमिट एनी। ठीक ये कंपलसरी है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो बाकी एसीएल भी पूरे नेटवर्क को डिनाई कर जाएगी, मतलब ये एसीएल पूरे नेटवर्क को डिनाई कर जाएगी अगर आप सेकंड स्टेटमेंट नहीं लिखते हो तो। इट्स ओके, समझ आया? सर तो हमेशा जब भी आप डिनाई लगाए तो क्या करना पड़ेगा, परमिट एनी परमिट स्टेटमेंट लिखना ही पड़ेगा, एनी। इट इज कंपलसरी, अगर ये नहीं लगाओगे तो इसका मतलब आपने पूरे ट्रैफिक को डिनाई कर दिया है, क्योंकि रूल नंबर 2 कहता है इम्प्लिसिट डिनाई, पहला रूल कहता है प्रोसेस सीक्वेंसली, एसीएल इज प्रोसेस सीक्वेंसली, और सेकंड रूल कहता है इम्प्लिसिट डिनाई, ये तो दोनों रूल को याद रखो आप, ठीक है। अब ये कटने वाला है तो इसको नोट कर लो, जिससे पहले कि ये मिट जाए, नोट कर लो इसको। सही बात है, इसमें परमिट एनी को वैसे लिखना होता है जैसे हम राउटर हाँ में आईपी एड्रेस डालने के बाद नो शट डाउन लिखते हैं, हाँ ये पहले लिस्ट वैसे ही लगाओगे, है ना। सेकंड ऐसी लगाओगे, या परमिट आने की जगह ये भी लिख सकते हो नीचे वाली, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, ये दोनों रूल नोट कर लेना, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। इफ यू यूज एनी डिनाई स्टेटमेंट ऑलवेज यूज परमिट एनी कीवर्ड, अगर आपने डिनाई लगाया कहीं पे भी तो परमिट एनी लिखना ही पड़ेगा अगली लाइन में, लिस्ट का नंबर चेंज मत कर देना, जैसे आपने ऊपर 10 कर दिया फिर 11 कर दिया, 11 परमिट एनी, ऐसे काम नहीं चलेगा, लिस्ट नंबर वही होना छोड़ो। पड़ेगा हाँ नंबर। हाँ तो मे बी अगर हमने 11 लिख दिया तो फिर क्या होगा? 11 वाली लिस्ट बन जाएगी और वो सबको अलाउ कर देगी, ओके और वो तभी काम करेगी जब पहली वाली जो है, पहली वाली तो डिनाई कर दे, दूसरी वाली काम ही नहीं कर पाएगी फिर, तो उसी वाली को आपको परमिट एनी कराना पड़ेगा, उसी स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा,
5 मिनट रह गए हैं। इसमें जूम पे क्या सीन चल रहा है? अरे कोई सीन नहीं है उसको, वो है ना एक्चुअल में क्या है, अफवाह उड़ा रखी है, अफवाह उड़ा रखी है, मैंने बहुत डेटा लीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता इससे, ये सब अफवाह उड़ा रखी है। बहुत सुना था, भी लिखा था मैंने, तो भी सुना था। अब ये सही है कि नहीं बताऊंगा। देखो डेटा तो सभी कंपनी बेचती है, ठीक है ना, डेटा तो गूगल बेचती है, ये तो हाँ बदनाम कर रखा है डेटा इसने इसको, गूगल तो आपका सब कुछ जानती है, ठीक है ना, गूगल के अंदर कोई प्राइवेसी लोकेशन नहीं है, गूगल आप तक यूज कर एक्सेस रहे कर हो दिए अपने मोबाइल वो। फोन में, उसमें कोई प्राइवेसी नहीं है, ठीक है, ये तो कहने वाली बात है कि भाई डेटा बेच रही है, बेच तो सभी कंपनी रही है। ऐसा तो नहीं रहा कि 70 बंदे जूम यूज कर रहे हैं, इसलिए उसके बारे में उड़ा दी कि हाँ बंदे यूज ना करें। इसीलिए उड़ा रहे हैं। तो पहले कोरोना था ये। बात समझ आ गई, अब देखो क्या होता है कि जब हम लोग परमिट लगाते हैं, परमिट का भी रूल समझ लीजिए, डिनाई को तो समझ लिया, रूल क्या होता है, परमिट का रूल क्या कहता है, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 होता है परमिट का, परमिट इज ए इनविटेशन, परमिट क्या होता है, एक इनविटेशन कार्ड होता है, समझ रहे हो, आप क्या करते हो, जैसे आपका बर्थडे है या कुछ भी फंक्शन होगा तो आप क्या करते हो, इनविटेशन कार्ड यूज करते हो, तो किस किस को इनविटेशन देते हो, जिसको बुलाना होता है, क्या उसको भी इनविटेशन देते हो जिसको नहीं बुलाना होता, बोलो करते हो ऐसा, जिसको नहीं बुलाना होता है उसे इनविटेशन देते हो, नहीं नहीं देते हो, तो यही चीज यहाँ पे अप्लाई होती है। देखो क्या होता है, जब भी आप परमिट स्टेटमेंट लगाते हो तो परमिट का मतलब है सिर्फ वही वाला आईपी क्या है, अब क्या है परमिट है, और बाकी सब क्या है, इम्प्लिसिट डिनाए है, वो इनविटेशन जब आपने लगा दिया परमिट, तो रेस्ट ऑफ द आईपी एड्रेस इज इम्प्लिसिट डिनाए इफ यू यूज द परमिट स्टेटमेंट, अगर आप परमिट स्टेटमेंट यूज करते हो तो ये सिर्फ उसी आईपी को अलाउ करता है और बाकी को ऑटोमेटिकली डिनाई कर देता है, तो इसे कहते हैं इनविटेशन। वही शादी का कार्ड जिस जिसको दिया वही लोग आएगा ना, ठीक है, यानी कि बाकी लोगों को आपने क्या कर दिया, इम्प्लिसिट इनडायरेक्टली मना कर दिया, ठीक है ना, इनविटेशन देने का मतलब होता है कि इनडायरेक्टली मना कर देना, आप दो बंदे हैं, आपको रास्ते में मिले, एक को आपने कार्ड दे दिया, ठीक है, और दूसरे से ये नहीं कहा कि तुम मत आना, आपने सिर्फ क्या किया, एक को कार्ड दिया, तो दूसरे ने क्या ऑटोमेटिक क्या समझा कि भैया मुझे तो बुलाया नहीं, ठीक है ना, तो क्या हो गया, इम्प्लिसिट वो डिनाई हो गया, पहली बार हो गया, तब तो उसका कोई मुंह नहीं रहा ना आने का, समझ रहे हो, दिस इज कॉल्ड द परम्यूटेशन, वो परमिट स्टेटमेंट यूज किया हमने कि आप परमिट हो, ठीक है, इनडायरेक्टली दूसरे को बताया कि आप परमिट नहीं हो, आप डिनाई हो, आपने डिनाई स्टेटमेंट यूज नहीं किया, आपने परमिट स्टेटमेंट यूज किया, परमिट जो है वो जो डिनाई से भी खतरनाक है परमिट, ठीक है ना, भाई डिनाई में तो क्या कर रहे हो, आप सीधा बता रहे हो कि आप मत आना यार, देखो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना, तो ये चीज है, समझ गया इस चीज को, परमिट इज ए समझ इनविटेशन, समझ में आ गया, ठीक है, इसको नोट कर लो, अभी दोबारा कनेक्ट कर लेना। हाँ 1 मिनट परमिट लेस इज ए 42 का। इनविटेशन, जिस जिसको अलाउ करोगे परमिट हो जाएगा और बाकी सब इम्प्लिसिट डिनाई कर जाएंगे, ठीक है ना, तो ये रूल कहता है, तो कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा बढ़िया लगा तुम्हें, डिनाई या परमिट? डिनाई डिनाई बढ़िया लगा।
पर थोड़ा खतरनाक है। हाँ